The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, दोस्तों कोरोनावायरस के फेक न्यूज तो आपने सुनी होगी और ये बताने की जरूरत नहीं है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो फेक न्यूज बना रहे हैं, फैला रहे हैं, चाहे वो एक व्हाट्सएप मैसेज हो, वॉइस मैसेज हो, वीडियो हो, या कभी कभी तो न्यूज चैनल पे ही कुछ भी दिखाना शुरू हो जाता है। तो कृपया अपना दिमाग लगाएं, जो भी आप ऑनलाइन या ऑन टीवी देखें उस पर आग बन करके भरोसा करते हो क्या? खुद से बस इतना सोच लेना और फिर सोचना कि मैं किस पे भरोसा करता हूँ। लेट्स आस्क हिम व्होएवर दैट इज। हमेशा हमेशा ट्रस्टेबल सोर्सेज से जाके बातचीत पढ़िए। अगर आप WHO को नहीं ट्रस्ट करते तो CDC को पढ़िए, अगर CDC को नहीं ट्रस्ट करते तो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को करिए, वरना अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करिए। याद रखिए, हर जगह पे इंसान ही है, हर जगह पे आपको जानकारी मिलेगी जितनी उस समय उनके पास है। जी हाँ, तो ये हुई बातचीत। बात करते हैं कुछ गलत सही इन्फॉर्मेशन के बारे में। कोरोना वायरस बहुत कॉमनली हमें धुआंधार तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। याद है मैंने आपको सवाल पूछा था कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है किसी भी ऐसे सवाल पे जो कोरोना वायरस के फैलने से रिलेटेड है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप पूछिए। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और आपने बहुत सारे सवाल पूछे कमेंट्स के द्वारा और मैं हर कमेंट पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। जी हाँ, हॉस्पिटल में धड़ाधड़ काम बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन काम के साथ यहां पे आपके साथ कोशिश भी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सकें, क्योंकि हमारा काम ज्यादातर ICUs में होता है। सो कोरोना वायरस के ऊपर सवाल आ रहा है, कोरोना वायरस क्या कपड़ों पे जिंदा रहता है? बिल्कुल जिंदा रहता है। क्या कितने देर तक रहता है? अनफॉर्चुनेटली ये फैब्रिक के ऊपर 2 से 3 दिनों तक जिंदा रह सकता है। जी हाँ भाई साहब, छोटी बात नहीं है, कुछ घंटे नहीं है, 2 से 3 दिनों तक जिंदा रह सकता है। टेम्परेचर के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। सो इसीलिए जब भी हम घर जाते हैं सबसे पहला काम करते हैं अपने कपड़े शपड़े उठा के जितना हो सके धोने डाल देते हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं उनको स्टरलाइज करते हैं और नहा धो के फिर अपने बच्चों से मिलते हैं। दैट इज वॉट इट इज, राइट? सो यही चीज अप्लाई करेगी हॉस्पिटल के अंदर मिल रहे पिलो केसेस में भी। ये भी इसीलिए जब हम हॉस्पिटल आते हैं तो डायरेक्ट, अब तो हम लंबे समय के लिए आने लग गए हैं, छोटी छोटी शिफ्ट डेली की जगह हमने 24 आवर शिफ्ट करने लग गए हैं, पर ये अपने अपने सिस्टम से अलग अलग हॉस्पिटल अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट देन आज लोड कम है, आगे चल के अगर कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लोड ज्यादा हो जाएंगे तो और ज्यादा मुश्किलें आएगी। सो इसीलिए कोशिश चल रही है कि जितने ज्यादा लोगों को जागरूक कर सकें ताकि कम से कम पेशेंट्स कोरोना वायरस के इंडिया में आए, कम से कम लोड हम पे आए और हमारा हम खुद भी आगे चल के फिर सेफ रहें। दैट्स द ट्रिक हियर, दैट्स द पॉइंट हियर, इसलिए हम ये सब वीडियो बना रहे हैं। सो कृपया वीडियो ज्यादा से ज्यादा फैलाइएगा, हम पे दया करिएगा ताकि हम जैसे लोग जो है वो भी बचे रहे। ऑल्दो आई एम नॉट अफ्रेड, बट देन इट्स बेटर नॉट टू स्प्रेड द डिजीज। भाई साहब, हेल्दी आदमी, हेल्दी यंग आदमी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको डरना है बड़ों के लिए। खुद के बच्चे, खुद के बड़े, उनको नहीं पहुंचाना है। बच्चों को ज्यादा रिस्क नहीं है, बड़ों को रिस्क है, बट रिस्क क्यों देना, राइट? दैट्स द थिंग। सो याद रखिए, कोई भी खांसी कर रहा है, कोई भी छींक रहा है, कोई भी सिम्टोमैटिक है, उससे आपने 1 से 2 मीटर की दूरी रखनी है। 1 से 2 मीटर की दूरी के अंदर फिर भी कई बार आप अगर बाहर निकल रहे हैं, अगर हॉस्पिटल जैसे एनवायरनमेंट में है, तो आप उससे बच नहीं सकते। अगर उस हॉस्पिटल के अंदर कोरोना वायरस के केसेस हैं तो आप मान के चलें कि आपके एक्सटीरियर पे वो केस लगेंगे। आप अगर कमरे के अंदर बंद है तब तो ठीक है, मगर आज की सिचुएशन अलग है। 1 महीने पहले जमाना अलग था, तब आपके लिए ठीक था, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर मास्क पहनना बहुत जरूरी है। तो हॉस्पिटल के अंदर मास्क पहन के कपड़े जो है, घर जाके, घर के अंदर घुसने से पहले आपको कपड़े अलग, मतलब एक छोटे कमरा बना लीजिए घर के अंदर, अपने किसी से मिलने से पहले कपड़े धोने डाल दीजिए। जूते चप्पल है उसको तो आप, मतलब नॉर्मल, मैं तो कहूँगा स्लीपर पहन के जाओ, या जो भी वॉशेबल शूज हैं वो पहन के जाओ और उसको जाके वॉश कर दो। बहुत सिंपल सी चीज़ है, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू डू। आज कैसे दिख रहे हो से ज़्यादा सेफ हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। सो दैट्स व्हाट आई वुड से, मिनिमम क्लोथ्स पहन के जाओ, मिनिमम चीजें लेके जाओ, ऐसी चीजें लेके जाओ जो आप स्टरलाइज कर सको। जो नहीं स्टरलाइज कर सकते वो मत लेके जाओ, अगर आप डॉक्टर हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, अगर आप बाहर जा रहे हो, सिर्फ घर से बाहर जा रहे हो
तब इतनी प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वहां के आपकी लोकल गवर्नमेंट ने बोला कि भैया अब हमारे एरिया में बहुत ही ज्यादा फैल गया है, अब तो निकलो ही मत, या आप निकलते हो तो हमेशा सबके सब प्रिकॉशंस लो, क्योंकि हम हॉस्पिटल जाते हैं हमें वो सब प्रिकॉशंस लेनी है, आपको उतना जरूरी नहीं है। तो यस, ये कपड़ों पर जिंदा रहता है लेकिन हवा में नहीं घूम रहा। मैंने ऑलरेडी हवा के लिए वीडियो बना रखा है, मुंह के अंदर नहीं बैठा हुआ आपके वो 3-4 दिन के लिए जो वीडियो शीडियो आया उसके लिए भी प्लीज डोंट वरी। कोई भी किसी भी उल्टी सीधी तरीके की चीज़ें खाने के लिए कोशिश ना करें, दारू या गर्म पानी या गर्म पानी से नहाना, बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी से, या दारू पीना या इनहेल करना, ऐसी चीज़ें ना करें, राइट, कि भाई हम इनहेल कर लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये आपके पेट में नहीं है, ये आपके लंग्स में, और लंग्स में हवा की जगह कुछ भी जाएगा तो आप बचोगे नहीं, वैसे ही उससे मर जाओगे। सो डोंट प्ले विथ योर लाइफ, दिस पास ऑन दिस मैसेज टू एवरीवन। ओके, Dr. Paramjeet here. Stay connected, stay healthy.